फ्रंट की तरफ पूरी DRL है जो 3 डॉट के साथ लगी है, अभी सिर्फ की ऑन है और जैसे ही पार्किंग ऑन करूँगा डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना अलॉय व्हील है जेन्युइन कंपनी के, और इसमें भी आप कैप देखेंगे ओरिजिनल कंपनी का ही आपको मिल जाता है। ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है। की में कुछ फ्लिप की के रूप में आपको यहाँ पे किया गया है प्रॉपर तरीके से, वैसे ही यहाँ पे लॉक करने पे लॉक हो गया और अनलॉक पे आपका लॉक अनलॉक हो गया। पूरी एज इट इज़ कनेक्टेड टेल लाइट है। बेस मॉडल में लगाने का कोई जज नहीं कर सकता कि बेस मॉडल खड़ा है या टॉप मॉडल खड़ा है। कैमरा है पूरा OEM फिनिशिंग का, OEM फिटिंग के साथ प्रॉपरली, पूरा एक OEM फिनिशिंग के साथ 0-0 फिटिंग के साथ प्रॉपर है, प्रॉपरली 0-0 फिटिंग के साथ है, प्रॉपरली एक मतलब अल्टीमेट लेवल की फिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपना स्टीयरिंग कंट्रोल भी है जो टॉप मॉडल वाला ही। लाइट जैसे यहाँ पे जलाओगे ना, यहाँ की लाइट भी ऑन हो जाएगी, यहाँ की भी पूरी लाइट ऑन हो जाएगी। और एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला ही स्टीयरिंग है, व्यू सिस्टम है जेन्युइन कंपनी का, और एज इट इज़ प्रॉपरली एक 0-0 फिटिंग के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो जी राम राम सही भाई को, क्या है भाइयों आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज की वीडियो में फ्रॉन्क्स दिखाने वाला हूँ, बेस मॉडल सिग्मा मॉडल फ्रॉन्क्स है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ही गाड़ी में काम किया गया है। इंटीरियर एक नंबर का इंटीरियर किया गया है, स्पेशली इस गाड़ी जो सीट कवर है बहुत शानदार किए गए हैं, आगे की DRS चेंज करी गई है, पीछे की कनेक्टेड टेल लाइट्स, अलॉय व्हील्स, अंदर का सब कुछ किया गया है। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, 1.5 लाख रुपये तक के आसपास इस गाड़ी में खर्चा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ, और आज फिर से आप देखेंगे फ्रॉन्क्स का एक सिग्मा मॉडल खड़ा है यहाँ पे, जिसमें एक जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है, चाहे मैं अलॉय व्हील की बात करूँ, चाहे मैं फ्रंट की DRL की बात करूँ जो 3 डॉट के साथ आपको मिलती है, और ये DRL स्पेशली फेमस हो चुकी थी बलिनो के टाइप से, उसके बाद ग्रैंड विटारा में DRL बहुत अच्छे लेवल में फेमस हुई, और आप फ्रॉन्क्स में इस DRL की वजह से आप खुद जज कर सकते हैं कि ये बेस मॉडल है या उससे ऊपर वाला मॉडल है। तो ये DRL मेन चेंज हो चुकी है, जिससे आप खुद ही नहीं बता सकते कौन सा मॉडल है। जो ये DRL भी चेंज हो चुकी है, एक अंदर की तरफ एक शानदार इंटीरियर, शानदार म्यूजिक सिस्टम जो एक बेस्ट लेवल पर लगा है। तो और देर ना करते आपको एक बेस्ट लेवल की मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, और किस लेवल पर सारा काम हुआ है वो लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट की तरफ पूरी DRL है जो 3 डॉट के साथ लगी है, और अभी जो है थोड़ा सा ये लाइट में है, जैसे ही मैं पार्किंग ऑन करूँगा, अभी सिर्फ की ऑन है, और जैसे ही पार्किंग ऑन करूँगा डार्क हो जाएगी। और इसके साथ साथ ही जैसे ही मैं इंडिकेटर दूंगा, वैसे ही एक लेफ्ट की तरफ अगर इंडिकेटर देता हूँ तो लेफ्ट की तरफ चलती है, और राइट की तरफ अगर इंडिकेटर देता हूँ तो एज इट इज़ ही आप देखेंगे राइट की तरफ चलती है। तो इसमें आपको एक प्रॉपरली एक कह सकते हो पूरा का पूरा एक अच्छा खासा लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ देखेंगे, इसी आपका टॉप मॉडल वाली हेडलाइट के अंदर ही एक LED डाली गई है जो 150 वॉट के अंदर, और इसका थ्रो आपका एक अच्छी खासी थ्रो के साथ इसमें दिया गया है। और 150 वॉट LED का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी आपको रोशनी में कोई कमी नहीं मिलने वाली, तो ये बेस्ट चीज़ है। फ्रंट आपको यहाँ पे एक पियानो ब्लैक ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप चेंज करा सकते हैं, उसका बहुत शानदार ऑप्शन मिल जाता है। इसका साइड प्रोफाइल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अपना अलॉय व्हील है जेन्युइन कंपनी के, और इसमें भी आप कैप देखेंगे ओरिजिनल कंपनी का ही आपको मिल जाता है। ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है, मड फ्लैप है जेन्युइन कंपनी का। इसके बाद साइड वेंट है, यहाँ पे जो एक छोटा सा बल्ब आता है इंडिकेटर का वो हटके वेंट लग जाता है, इसका एक बेस्ट पार्ट मिल जाता है। साइड मिरर है, और साइड मिरर में भी आप देखेंगे जैसे अपनी की यहाँ पे अभी चेंज की गई है, की में कुछ फ्लिप की के रूप में आपका यहाँ पे किया गया है प्रॉपर तरीके से, वैसे ही यहाँ पे लॉक करने पे लॉक हो गया और अनलॉक पे आपका लॉक अनलॉक हो गया। तो ये अपने आप में एक बेस्ट चीज़ यहाँ की गई है, सेम एक सिंगल क्लिक पे, जैसे ही सिंगल क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे अनलॉक हो रहा है और लॉक हो रहा है। तो आपको दिखाने की वजह से एक बार सारी चीज़ें चेक भी रीचेक, यानी कि दूसरी तीसरी बार चेक होती जा रही है, और उसके साथ साथ एक बेस्ट वीडियो भी बनती चली जा रही है, तो वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ साइड वेंट की वजह से यहाँ का लुक जो है ना बहुत शानदार आया था, क्योंकि एक लाइट डार्क कलर की गाड़ी है, और डार्क कलर की गाड़ी में जो क्रोम होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप में अल्टीमेट चीज़ है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ रेन वाइजर है जो नेक्सा जेन्युइन आता है, और इसकी प्राइसिंग भी आपको पता है मैक्सिमम लोगों को 2190 रुपये MRP आता है, 50% डायरेक्ट लेफ्ट करके लेस करके 1050 रुपये का पड़ता है। विंडो गार्निश है, ये इन कंपनी का जेन्युइन नहीं आता, पर इसमें भी ऑप्शन आपको एक बेस्ट क्वालिटी में मिल जाता है। आप देखोगे इसकी थिकनेस जो है वो बहुत शानदार मिलती है आपको, जिससे क्या है SS में है, स्टेनलेस स्टील में, कभी ख़राब नहीं होता, कभी भी हटता नहीं है, तो ये बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे अपना देखो हैंडल क्रोम है जेन्युइन कंपनी का, और यहाँ पे आप देखो प्रॉपर की एक बेस्ट जो क्रोम है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ डैम्पिंग है, जिससे आपका एक साउंड के साथ मतलब बेस्ट आपको पार्ट मिल जाता है। इसके साथ साथ ही नीचे आप देखोगे, जैसे मैंने बताया साइड बीडिंग है जेन्युइन कंपनी की, और एज इट इज़ की फिटिंग फिनिशिंग, और मतलब एक प्रॉपर एक कहते हैं ना ओरिजिनल चीज़ की पहचान ही अलग होती है, वो चीज़ है, मतलब एक प्रॉपर आपको ओरिजिनल मतलब फिनिशिंग ही अलग है इसकी, तो ये बेस्ट पार्ट है। इसके बाद रियर की तरफ चलते हैं, और रियर में जितना बेस्ट काम हुआ है उससे भी ज़्यादा बेस्ट काम अंदर हुआ है, तो एक एक चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको दिखा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पूरी एज इट इज़ कनेक्टेड टेल लाइट है, और इस टेल लाइट के बारे में आपको खुद मैं आपको बताऊं कि बेस मॉडल में लगाने का तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये बेस मॉडल खड़ा है या टॉप मॉडल खड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है कि पूरा लुक आपको बहुत शानदार बन जाता है, और उससे भी खास बात है जैसे आप ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर देखते हैं जैसे इसका टेल लाइट का कलर है सेम ऐसे ही कलर है, तो कोई भी जज करेगा कि हाँ एज इट इज़ इसी के हिसाब से लगी हुई है जैसा ये टेल लाइट है वैसे ही है। और रात को चलने पर लोग रोड पर एक अलग ही इसका रोड प्रेजेंट आता है, वैसे ही आपको देखोगे पूरी एक सीट से सीट मिलकर जा रहा है, ये अपने आप में बेस्ट लेवल पर। इसके बाद जैसा आप यहाँ पर इंडिकेटर देते हो सेम आपका इंडिकेटर इसमें भी चल जाता है, और एज इट इज़ आपका लेफ्ट की तरफ अगर इंडिकेटर देते हो तो लेफ्ट में शो होता है, राइट में देते हो तो राइट में होता है। इससे आपको खुद ही आपको पता लगता है कि एक बेस्ट क्वालिटी में अपनी रिफ्लेक्टर है, और मैट्रिक्स का स्कैनिंग भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल रिफ्लेक्टर नहीं है मैट्रिक्स भी स्कैनिंग भी है। अब चलते हैं अंदर, उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कैमरा है पूरा OEM फिनिशिंग का, OEM फिटिंग के साथ जो प्रॉपर फिटिंग आपको देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील के जो रिम है भैया के सारे रिम यहाँ रखे हुए हैं जो भी निकले हैं वापस। इसके बाद यहाँ पे DRL रखी है इस तरीके से जो निकली है वापस एज इट इज़। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अपना बूट लाइट है, यहाँ पे भी आप एक देख पाओगे प्रॉपर इसकी थिकनेस के साथ। यहाँ पे कंट्रोलर भी मिल जाता है और एज इट इज़ अपनी सेंसर के साथ है, बूट नीचे करेंगे वैसे ही बंद हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे आप मैट है जो लॉन्ग लाइफ मैट के साथ अपना एक GFX ब्रांड के साथ एक अच्छी क्वालिटी के साथ। अब चलते हैं अंदर जिसके बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, पर एक बेस्ट काम जो है वो दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। तो फाइनली अंदर की तरफ देखते हैं, एक जो नेक्स्ट लेवल का काम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपरली पूरा एक OEM फिनिशिंग के साथ 0-0 फिटिंग के साथ प्रॉपर है। 3 थ्रेड यहाँ मिल जाएगा आपको, 3 थ्रेड यहाँ है और 3 थ्रेड यहाँ है, और मतलब अल्टीमेट लेवल का पूरा काम है। इसमें भी आप देखेंगे डोर पैनल पे प्रॉपरली मतलब फिनिशिंग आप देख पाएंगे प्रॉपर 0-0 जो फिनिशिंग होती है एज इट इज़ आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद जो अपना ORV मैंने जैसे बाहर से आपको दिखाया था सेम आप अंदर से भी देख पाओगे एज इट इज़ लॉक अनलॉक पे और प्रॉपरली आपका वर्किंग है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एडजस्टेबल जो आपका आता है सेम ऐसा एडजस्टेबल वर्किंग है, और प्रॉपर जैसे कंपनी वाला है ऐसा अल्फा मॉडल वाला आता है जिसमें आपको यहाँ से भी वर्किंग मिलता है और आपके की से भी वर्किंग मिलता है सेम वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपका एक अपने आप में अल्टीमेट लेवल का काम आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा पूरा आपका एज इट इज़ एक एडजस्टेबल जिसको कहते हैं ना वो भी एडजस्ट आपका ही हो रहा है, तो ये अपने आप में पूरा वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं अंदर, और अंदर से पहले एक ट्विटर शैशे यहाँ देखोगे। ये दिखाने का मेन मकसद क्या है कि बहुत छोटी सी चीज़ है पर एक एक चीज़ आपको कंपनी की ओरिजिनल टॉप मॉडल वाली मिलती है, तो टॉप मॉडल और इसमें फ़र्क क्या रहेगा आप खुद सोचिए, सिर्फ प्राइस के अलावा कोई फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि बॉडी सेम आती है, इंजन में डिफरेंस आता है पर 1 लीटर वाला इंजन से कई ज़्यादा बेस्ट है 1.2 अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, और जितने लोग भी अगर आप पे आसपास रहते हैं दिल्ली NCR के आसपास या कहीं से भी 90% लोग सिटी में ही ज़्यादा ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको साल में 11 महीने 10 महीने पहाड़ों पे ही रहना है जो आपको 1 लीटर का इंजन आप ले रहे हैं, 1.2 लीटर ही ज़्यादा बेस्ट इंजन है। और प्लस आपका अगर डेल्टा प्लस की तरफ भी आप सोचते हैं तो सिर्फ 4 से 5 चीज़ ऐसी है जो डेल्टा प्लस में इसमें नहीं आता, डेल्टा प्लस में आता है एक म्यूज़िक सिस्टम जो कि 8.1 इंच का आता है, 4 स्पीकर आगे की तरफ, DRL आपका हेडलाइट और ये साइड मिरर और एक आपका स्टीयरिंग कंट्रोल, ये 4 चीज़ मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो कितने का आप खुद जोड़ लो, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा तो 60-70 हज़ार रुपये का आपका आएगा जिसमें अलॉय व्हील भी इंक्लूड होंगे ब्लैक वाले। पर इसके अलॉय व्हील अगर आप देखोगे तो एज इट इज़ टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील लगे हैं जो आपको अल्फा में मिलता है, और इसका सेम मतलब एक अल्टीमेट लेवल का लुक है, चाहे आप कोई सा भी कलर की गाड़ी ले रहे हो, वाइट हो, सिल्वर हो, अपना ब्लू हो, किसी भी कलर में ले रहे हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न है डबल टोन में अलॉय है, 16 इंच के बेस मॉडल में ही टायर मिल जाता है और टॉप में भी 16 का मिलता है, इससे एक रोड प्रेजेंट जो है अलॉय से आपका अपने आप में अल्टीमेट लेवल का हो जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें। तो अब आ चुके हैं अंदर की तरफ, और जैसा मैं आपको हर वीडियोस में हर एक जगह बताता हूँ कि जैसे एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही हमारे सीट कवर है, जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे प्रॉपरली 0-0 फिटिंग के साथ है, प्रॉपरली एक मतलब अल्टीमेट लेवल की फिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको डोर पैनल पर दिखाया था सबसे ऊपर 3 थ्रेड, फिर इसके नीचे 3 थ्रेड और 3 थ्रेड, इसको हम 3 सिलाई वाला सीट कवर कहते हैं। और ये डिज़ाइन मतलब आपने ऐसा कोई कलर नहीं होगा जिसमें आपने देखा नहीं होगा, चाहे आप चेरी कह लो, चाहे आप ब्लैक और आपका 10 कह लो, चाहे आप लाइट 10 कह लो, चाहे डार्क 10 कह लो, चाहे आपका आइस ग्रे कलर कह लो या फुल ब्लैक कह लो, हर एक कलर में आपको ये डिज़ाइन आपको देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अल्टीमेट लेवल की इसकी फिटिंग
एक बैठने में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एज इट इज कुशनिंग, एक सिमेट्री जो बनती है वो सिमेट्री आपको इसमें अल्टीमेट मिल जाती है। प्लस एक जो एक आपका ये बैक पैनल है इस पे आपको एक जो है एक बेस्ट कुशनिंग मिलती है, उसका एक अपने आप में एक अल्टीमेट लेवल का पार्ट मिल जाता है, ये एक बेस्ट पार्ट है। इसके बाद इसमें भी सेम अपना ब्लैक आइस ग्रे के अंदर एक वाइट एक क्रीम के अंदर आप ब्लैक पाइपिंग के साथ में एक बेस्ट मैचिंग आपको मिल जाता है, इसका एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। और ऐसे ही सेम अपना मैंने जैसे आपको डोर पैनल दिखाए थे सेम इस तरफ भी देख सकते हो प्रॉपरली डोर पैनल की फिनिशिंग, और सेम ऐसा ही अपना डैशबोर्ड है जो प्रॉपरली स्टिचिंग के साथ पूरा आपको देखने को मिल जाता है। सेम उस साइड में भी देखेंगे आप एक यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट है जो ऐसा लगता है पेंट का पूरा पार्ट है, और एज इट इज़ एक आपका सॉफ्ट टच किया गया है, और उस तरफ भी आपको पूरा पार्ट देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे पूरा अपना स्टीयरिंग के ऊपर है जो डबल टोन में किया गया है, और डबल टोन में यहाँ पे पूरा नीचे आइस ग्रे कलर है फिर ऊपर से पूरा ब्लैक है, तो इसका अपने आप में एक अल्टीमेट लेवल का पार्ट है। यहाँ पे अपना स्टीयरिंग कंट्रोल भी है जो टॉप मॉडल वाला ही है, उसमें भी आप देखोगे लाइट जैसे यहाँ पे जलाओगे ना यहाँ की लाइट भी ऑन हो जाएगी, यहाँ की भी पूरी लाइट ऑन हो जाएगी, और एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला ही स्टीयरिंग है। बाकी इसके बारे में बता देता हूँ, ये पहले से थोड़ी कॉस्टिंग जो है इसकी बढ़ गई है, पहले 3500 का आता था अपना सिल्वर वाला, ब्लैक वाला 45 का, अब जो है 6,000 और 6,500 रुपये का हो गया। तो इसका जो भी भाई अगर आना चाहता है जिनको अभी तक नहीं पता लगा उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई है। बाकी एक अल्टीमेट लेवल का यहाँ पे स्टीयरिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद गियर नॉब है जेन्युइन कंपनी का ही, इसका सेंटर आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जेन्युइन कंपनी का ही। नीचे की तरफ देखोगे यूएसबी पोर्ट है एज इट इज़ जेन्युइन कंपनी का, और इसको लगाने से सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आप पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हैं इसके अपना एज अ एंड्रॉयड के साथ, या फिर आप नॉर्मली आप वायरलेस या वायर के साथ आप कारप्ले कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ अपना म्यूज सिस्टम है जेन्युइन कंपनी का, और एज इट इज़ प्रॉपरली एक 0-0 फिटिंग के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में पूरा आपको फिटिंग मिल जाता है। इसमें भी आपका यूट्यूब मैप और एक एक चीज़ आपको प्रॉपर मिल जाता है, FM से लेके प्रॉपर सारी चीज़ मिल जाती है, मतलब अल्टीमेट लेवल की पूरी फिटिंग, अल्टीमेट लेवल का पूरा पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसका फ्रेम भी आप देखेंगे प्रॉपरली 0-0 फ्रेम जो है वो आपको देखने को मिलता है, कहीं से भी ना अनइवन नहीं है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, एक सिंगल बबल कहते हैं ना वो तक आपको इसमें नहीं मिलता, तो ये बेस्ट चीज़ है। JBL के आगे कॉम्पोनेंट्स लगे हैं जिसमें आगे ट्विटर है, पीछे की तरफ आपका कोएक्सल है JBL का ही, जिसमें आपको एक फिटिंग भी अच्छी है, साउंड आउटपुट भी अच्छा, और एक एक चीज़ बेस्ट लेवल पे है। ऊपर की तरफ रूफ लाइट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप IRVM करा सकते हैं, यहाँ पे वैनिटी मिरर करा सकते हैं, मतलब एक एक चीज़ आप नेक्स्ट लेवल पे सारी चीज़ इसके अंदर भी आप करा सकते हैं, जैसा आपका बजट हो, जैसा आपकी कॉस्टिंग आप चाहें अफोर्ड करना आप कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा एक बार कस्टमर से भी जानते हैं कि उनको सारा काम कैसा लगा, और यहाँ पे एक छोटा सा अपना परफ्यूम है जायजा गिफ्ट उनको दिया गया है, वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, तो उनसे जानते हैं सारा काम कैसा है। तो फाइनली अपनी जो फ्रॉन्क्स है स्पेशली सिग्मा मॉडल बेस्ड मॉडल सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो सर से जानते हैं कि सारा काम सर को कैसा लगा और कैसे पता लगा हमारे बारे में। तो क्या नाम है सर आपका? सतपाल डागर। कहाँ से हैं सर आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से स्पेशली मैम अभी आपने सारा काम देखा है, आपको पता कैसे लगा हमारे बारे में? यूट्यूब से देखा। वीडियो देखी थी आपने यूट्यूब पे, अभी कैसा लगा? आपने सारा काम करा लिया, कैसे सारा कुछ लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया है सर आपको? बहुत बढ़िया, सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है और हम सही जगह पे पहुँचे हैं। हमने कल इसी टाइम गाड़ी ली थी घर पे और आज इस टाइम पे अपना काम करा के निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। मतलब रात को लगभग 11 बज रहे हैं और दोपहर में मतलब दिन में आ गए थे 12-1 बजे करीब भैया, और एक ही दिन में सारा काम करके दिया, और एक एक चीज़ जो है वो एज अ टॉप मॉडल वाली लगी, किसी में भी कोई कुछ छूटा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी भैया जितना कुछ आपने सोचा अभी कराया है उतना कब सब कुछ सोचा हुआ था कि ये सारा कराना है? नहीं सोचा हुआ नहीं था, एक चीज़ के बाद एक चीज़ लगती जाती है, तो लगता है कि ये भी करा लेते हैं वो भी करा लेते हैं, फाइनली ओवरऑल जो है लुक काफ़ी अच्छा लेवल पे काम हो रहा है। अभी आप जैसे देखेंगे स्पेशली मैं इंटीरियर सीट कवर की बात करूँ, मैम से पूछेंगे क्योंकि इंटीरियर मैम की पसंद का है कहीं ना कहीं, तो वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है स्पेशली आप देखोगे, मैंने जैसा आपको ही मैं बताता हूँ कि जैसा आपकी गाड़ी एक डार्क कलर की गाड़ी है और अंदर की तरफ अगर आप लाइट कलर का इंटीरियर कराते हो ना मिक्स एंड मैच, मतलब एक लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बन जाता है, सेम एज इट इज़ के अंदर हुआ है जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैम अभी जब आप आए थे तो क्या हमारे पास सीट कवर रेडी थी? हमारा रेडी करके उसके बाद पूरा इंटीरियर रेडी करके तब पूरा लगाया गया है, तो एक अपने आप अल्टीमेट लेवल का काम है। मैं तो बोलती हूँ आप हमारी गाड़ी पे एक BMW का लोगो और लगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप कह सकते हो मतलब मतलब काम में ना कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, जितने लाइक चाहे मैं अलॉय व्हील की बात करूँ, चाहे मैं पीछे की टेल लाइट की बात करूँ, एक एक चीज़ आपको इसमें बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट लेवल लगी है। अंदर की तरफ पूरा एक इंटीरियर स्टीयरिंग एक एक चीज़ टॉप मॉडल वाला लगा दिया गया, तो ये बेस्ट चीज़ है। बाकी सर से एक चीज़ और पूछेंगे, अगर रैंकिंग दें सर 1 में से 10 तो कितने देंगे आपको इस गाड़ी को? 10 में से आप बेस्ट दे सकते हो, बाकी कम जितना आप देना चाहें वैसे। 10 में से 10
थैंक यू सो मच जी। बाकी कोई अगर आपकी वीडियो देख के आना चाहता है रिकमेंड करेंगे जी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और ऐसी वीडियो के लिए एक बार और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको और रेगुलर बेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाइयों ये था आज की हमारी वीडियो में, कैसी लगी फ्रॉन्क्स कमेंट करके ज़रूर बताना। स्पेशली इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मर्सिडीज डिज़ाइन में किया गया है, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। अगर आप भी कराना चाह रहे हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके कराना। बाकी कैसी लगी कमेंट कर सकते हो, और आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में, और आप करवाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कुछ इस तरीके से आप करवा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।